हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? सब बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हो? स्टे एट होम, स्टे हेल्दी ऑल्सो, डू सम एक्सरसाइज ऑल्सो एट होम। ओके, सो वॉट वी आर डूइंग टूडे, वी आर डूइंग अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लेट्स सी वॉट इज द डे टूडे। टूडे इज फ्राइडे एंड द डेट इज 17 जुलाई 2020। वेरी गुड, सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वॉट वी आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, बिकॉज इसी से हम जो हमने सीखा है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, हमको समझ आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। किरण वॉक्स 4 किलोमीटर्स इन अ डे। ठीक है, हाउ मच किरण कैन वॉक इन 12 डेज? समझ आया? ऑल राइट, सी सो लेट्स राइट। इन वन डे हाउ मच किरण वॉक्स? 4 किलोमीटर्स इन वन डे। हाउ मच किरण वॉक्स? 4 किलोमीटर्स इन 12 डेज। हाउ मच किरण विल वॉक? वेरी नाइस, 4 multiplied by 12, we can write like this also, 12 multiplied by 4. So what will be the answer? Very good, 4 2s are 8, 4 1s are 4. Wonderful, so the answer is 48 kilometers. All right, KMS matlab kilometers. Okay, so like this write down the statement. Isko kya bolte hain? Statements. Step by step आप लिखो, पहले वन डे का आप लिखो, जो भी आपको पहले क्वेश्चन में बताया है वो पहले लिखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। वन डे की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि 12 डेज में कितना वॉक करेगा, या जो भी क्वेश्चन है वो हमें फाइंड करना है। सो वी कैन ऑलवेज मेक अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो हियर। ऑलराइट, यस, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी व्हील्स 6 bicycles विल हैव? ओके, दिस इज ईजी। 1 bicycle के कितने व्हील्स होंगे? बाई मतलब 2 होता है, 2-wheeler, 2 cycles, 2 wheels वाला। हाउ मेनी व्हील्स 6 bicycles विल हैव? ये ईजी है, दिस यू विल डू योर सेल्फ। लेट्स सी नेक्स्ट। इन 1 packet ऑफ ब्रेड, ब्रेड लाते हो ना बाजार से, In 1 packet of bread, there are 14 pieces. How many pieces will be there in 8 packets of bread? अभी आपको मम्मी बोलती है कि जाओ जाके ब्रेड लेके आओ, सबने आज ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, रेनी सीजन है। तो आपको देखना पड़ेगा ना, जाके आप सोचोगे कि मैं अगर 1 पीस लेके आता हूँ पैकेट ब्रेड का, तो उसमें तो 14 pieces हैं, तो हम लोग 4 लोग हैं, तो एटलीस्ट सब 4-4 pieces तो खाएंगे, तो मेरे को 1 पैकेट ही लाना चाहिए कि मैं 2 packets ले लूँ। तो इसी के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वर्ड प्रॉब्लम, सो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग। ओके, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इन 1 packet ऑफ ब्रेड देर आर 14 pieces। 1 packet हाउ मेनी पीसेस? 14 pieces। In 8 packets, how many pieces will be there? So this is the question mark. Question mark means this is what we want to know. So kaise hai? Wonderful. What we will do is 14 multiplied by 8. Okay. So you will write down the answer. Okay. In 8 packets, how many pieces will be there? So your answer, whatever answer comes, pieces. Okay, very good. Next, on one desk 2 students sit. ठीक है, understood? All right. If there are 16 desks in a class, then how many students are there in the class? Okay, तो इसमें क्या पूछा है हमें?
हमें पूछा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि ऑन वन डेस्क कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, 2 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो अगर 16 डेस्क हैं और हर एक डेस्क पे 2-2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए क्लास में? वेरी नाइस, वंडरफुल। तो आप ये वैसे ही लाइंस में करके लिखो।